Hello everyone. So today we are going to talk about the concept of overlapping consensus, which was given by John Rawls. So आप सभी जानते हैं कि John Rawls ने एक concept दिया है overlapping consensus का, and जो basically उन्होंने बताया है कि एक democratic stability के लिए, वो किसी country में अगर आपको democratic stability चाहिए, एक democratic country में, एक लोकतांत्रिक country में, देश में अगर आपको stability चाहिए government की, okay? So then you need to work on the concept of ओवरलैपिंग कंसेंसस. ओके, सो अगेन ये शब्द सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये कैसे काम करेगा. ओके, ऑब्वियसली बात, इट्स अ कंफ्यूजन की हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, सो बेसिकली अगर हम समझे ओवरलैपिंग कंसेंसस के जो आइडिया है वो बहुत सिंपल आइडिया है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. सो उन्होंने बोला है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप रूल्स बनाते हैं, ओके, व्हाट ही वाज बेसिकली सेइंग कि रूल्स ऐसे बनाइए विच डिफरेंट कम्युनिटी एग्री ऑन. ओके, बेसिकली उनका कहना है कि जो अलग, बिकॉज एक कंट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, हर इंसान के अलग विचार होते हैं, हर समुदाय के अलग विचार होते हैं, हर समुदाय की अपनी इच्छाएं होती है, सबके अपने अपने वैरायटीज होंगी. ठीक है, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डाइवर्सिटी, बट उस डाइवर्सिटी में डेफिनेटली वहां पर कुछ ऐसी चीज होगी जो कि वो सभी लोगों को जोड़ती होगी, कुछ ऐसे कोई विचार होगा या फिर कोई ऐसी बात होगी जिसपे सब लोग एग्री करेंगे. तो वो जो जिस जिन बातों पे सब लोग एग्री करेंगे वो बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिस पर आपकी गवर्नमेंट या फिर आपका कंट्री काम करती हो, जिन लॉज के बेस पर वो काम करे. तो वो जो पॉइंट्स होंगे ना, जो जिस पे सब लोग एग्री करे होंगे, वो बेसिकली कहेंगे ओवरलैपिंग कंसेंसस. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा. मान लीजिए कि देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ठीक है, सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होगी. ठीक है, एक राइट विंग पार्टी हो गई, लेफ्ट विंग पार्टी हो गई, आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज हो गई, सेंट्रल पार्टी हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, लिबरल पार्टीज होंगी, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे. ठीक है, सबके अपने अपने विचारधारा, सब अपने अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं. बट एक बात पर वो सभी एग्री करेंगे, क्या, कि देश में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर. तो वो एक कॉमन पॉइंट है जो कि डेफिनेटली सभी पार्टियों को जोड़ता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओवरलैपिंग कंसेंसस. इट मींस कि जहां पे सब एग्री कर जाएं, दैट इज ओवरलैपिंग कंसेंसस, वहीं पे डेमोक्रेसी आपकी सक्सेसफुल है. इट मींस कि डेमोक्रेसी में जो आपने रूल्स बना रखे हैं वो तभी वर्क कर पाएंगे, स्टेबल रह पाएंगे, जब डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी एग्री ऑन दोस थिंग्स. तो इसलिए रूल्स हमेशा वैसे बनाए, बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्स शुड बी मेड इन अ मैनर विच कैन बी जस्टिशियबल और एक्सेप्टेबल टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस. यू हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस, सपोर्ट्स. कंसेंसस का मतलब होता है सबका, सबकी सहमति लेना. तो ओवरलैप करेगा मतलब जो जिसके लिए बाकी सभी समुदाय बेसिकली सपोर्ट करें, उस कॉन्सेप्ट को मिला के बेसिकली बोल दिया जाएगा ओवरलैपिंग कंसेंसस, जो कि मेजर गवर्निंग प्रिंसिपल होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, और वही स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में. ठीक है, स्थिरता तभी रहेगी लोकतंत्र में तब जहां पे ओवरलैपिंग कंसेंसस रहेगा. ये था जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल. आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो में और भी आपको लेके आते रहूंगा, और हम बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको समझाते रहेंगे. ठीक है, बाय बाय गाइस, एंजॉय योर डे, टेक केयर.